तो कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशनल पर। तो विद्यार्थियों, काफ़ी डिमांड रहती है आपकी कि सर कक्षा 7 का अंग्रेजी विषय का पेपर लेकर आओ, आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों देखो, प्रिंट निकलवा कर मैंने पेपर की और उसके बाद उसको हल किया पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा हल करने के बाद ही आपके लिए मैं पेपर तैयार करके उपलब्ध करवाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा समय लगता है लेकिन विद्यार्थी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। देखो ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखो जो भी हम आपको पढ़ाते हैं ना, वो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो आप अगर विश्वास नहीं हो रहा था, आप कम्युनिटी पोस्ट पे आप देख सकते हैं, मैंने पोस्ट भी कर रखी। काफ़ी विद्यार्थियों की कमेंट है कि सर आपने पढ़ाया, हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, हमारे एग्ज़ाम में वो पूछा गया, ठीक है। तो देखो एक बार आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी तक आपको कुछ याद नहीं है तो मैं जो अभी आपको पढ़ाता हूँ, एक बार आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपके अंग्रेजी विषय का इतना शानदार तरीके से पेपर हल करवा दूँगा कि कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा, कोई भी आप भूलोगे नहीं, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सबसे पहले क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और कमेंट में अपना क्वेश्चन बता देना कि क्या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर करें। और मैं शुरू करता हूँ, और एक एक क्वेश्चन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, तभी एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। और पैसेज वगैरह, स्टोरी है और एप्लीकेशन, सब कुछ मैंने लिख दिया इस पेपर में, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाला हूँ। बस आपको ही लास्ट तक देखना है, हमारी मेहनत बेकार न जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि पेपर को बना तैयार करने में और उसके अंदर उत्तर लिखना, फिर वापस उसका PDF बना के वापस रिकॉर्डिंग करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस आप मन लगाकर ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। तो आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, आप देख सकते हो, कदम थक जाए पर इरादे थकने मत देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपके कदम थक जाए, आप थक जाओ, ठीक है, लेकिन आपके इरादे कभी नहीं थकने चाहिए, और मंजिल की राह से खुद को नहीं भटकना। तुम्हारा मंजिल क्या है? एग्ज़ाम। क्या है? एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो किसी भी परिस्थिति में आप एग्ज़ाम को क्रैक करने में आप तैयारी कर रहे हो, उनको उनसे भटकना नहीं है, आपको लगातार बने रहना है, ठीक है। हमेशा सफल वही होता है जो लगातार बने रहता है, लगातार मेहनत करता है। तो बस आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है एक बार एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो शुरू करता हूँ, सबसे पहले आपके क्वेश्चन आएगा कौन सा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, वो ग्रामर से ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो ए पेन इज़ यूजफुल थिंग्स, तो ए यूजफुल पूछ रहा है ना, यूजफुल का शुरुआत है वो एक स्वर से हुआ है, तो स्वर के आगे से हमेशा क्या लगता है, an लगता है, ठीक है। तो इसके आगे an आएगा। द काइट फॉलो इन द स्काई, तो यहाँ द आएगा, स्काई का मतलब आकाश, यानी विश्व में आकाश एक ही है, ऐसी वस्तु है जो विश्व में प्रसिद्ध हो, एक ही हो, बड़ी हो, तो उसके आगे हमेशा दी का प्रयोग लगता है। किसका लगता है? दी। तो आस आस जो स्काई है ना विद्यार्थियों, वो एक बड़ा है, यानी एकमात्र है, तो उसके आगे क्या लगेगा? दी लगेगा। नेक्स्ट है कि द ओल्ड फार्मर इज काइंड पर्सन, तो काइंड के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। काइंड का जो जो शब्द शुरू हुआ है ना, वो के से हुआ, के एक व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे हमेशा ए लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, यू डू व्हाट द टीचर टेल अस, जो भी अध्यापक आपको कहे वो आपको करना है, तो शुड, यू शुड, शुड का मतलब आपको वो करना है, डू व्हाट द टीचर टेल्स यू, यानी तुम्हारे अध्यापक तुम्हें कहे वो करना है, तो शुड आएगा इसके आगे। द जयपुर इज अजमेर एंड दिल्ली, जयपुर का है बिटवीन अजमेर एंड दिल्ली, यानी डी बिटवीन आएगा, क्यों? क्यों जयपुर, जयपुर है ना, वो अजमेर और दिल्ली के बीच में, बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, ठीक है। इतना आसान भाषा में समझा दूंगा कि आपको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बस आप प्यार और सपोर्ट बना रखें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपके एग्जाम अगले साल 8वीं में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, मैं तैयारी करवाऊँगा आपको एक शानदार तरीके से, ठीक है। तो आप लगातार बने रहे चैनल पर। नेक्स्ट है कि यू लाइव लॉन्ग, यू मे आएगा, क्या है? यू मे, यानी आप लंबे समय तक जी सकते हैं, यू मे लाइव लॉन्ग, मे मतलब सकता है, जी सकते हैं मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं कि आप लंबे समय तक जी सकते हैं, भविष्य की बात करें तो वहाँ मे का प्रयोग होता है, लेकिन वर्तमान के पूछे कि आप कैन का प्रयोग करना, क्या करना? कैन का, ठीक है। अब आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन जो थे अपसेद वाले वो समाप्त हो जाएंगे, इसमें ग्रामर की आर्टिकल पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये इस पर बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्सन है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, द स्क्वायरल लाइक्ड टू इट नट्स, स्क्वायरल है मतलब गिलहरी,
नट यानी नारियल को खाना पसंद करती थी, ठीक है। तो लाइक्ड का मतलब बीता हुआ, और टुडे इज माई इज संडे यानी आज रविवार है, तो इज मतलब वर्तमान चल रहा है ना, तो इज आएगा, ठीक है। टुडे इज संडे। तो राम एंड श्याम कमिंग टुवर्ड द फील्ड एंड नोटिस एंड एन ओल्ड मैन। राम एंड श्याम खेत की ओर आ रहे थे, उन्होंने ध्यान दिया एक बुढ़े खेत की ओर जा रहे थे, राम और श्याम जा रहे थे खेत से होकर, और तो उन्होंने एक नोटिस का मतलब उन्होंने ध्यान दिया एक बुढ़े आदमी की तरफ, ठीक। उन्होंने बुढ़े आदमी को देखा यानी जा रहे थे, कमिंग का मतलब जाना, ठीक है। अब ये आपके खाली जगह पूरी होगी। अब क्या आएगा, कंप्लीट इच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर यूजिंग जी एस, क्या लिखना है, जी एस एफ एफ या एफ का प्रयोग करना है, ठीक है। किस में एफ का प्रयोग होगा, किस में डबल एफ होगा, किस में जी एस। तो ये मीनिंग आ रही है इफोर्ड, क्या आएगी, ई डबल एफ ओ आर टी, इफोर्ड आएगा तो डबल एफ आएगा, क्या आएगा डबल एफ, तो इसमें आपका डबल एफ आएगा। इसमें इनफ, ई एन यू ई एन ओ यू जी एस, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। इसमें आएगा एच ए एल एफ इन, आप का मतलब आधा, इसमें एफ का प्रयोग होता है। आर ओ यू जी एस रफ का मतलब रफ, रफ जब कार्य करता है रफ का मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा रफ। तो यहाँ आपके जी एस का प्रयोग होगा, इसका एफ का होगा, यहाँ भी जी एस का हो, यहाँ डबल एफ का प्रयोग होगा। तो ऐसा का ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इंग्लिश का, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी आपकी, सर इंग्लिश का पेपर कराओ इंग्लिश का। तो मैंने, मुझे पता था विद्यार्थी आपकी हमेशा, मैं आप बात मानता हूँ, आप जो कहते हैं कमेंट में वही आपके लिए करता हूँ, ठीक है। तो आप अगला पेपर किस सब्जेक्ट का चाहते हैं वो बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंसर एनी टू क्वेश्चन इन वन लाइन, यानी दो क्वेश्चन का, दो प्रश्नों का उत्तर देना एक लाइन में, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि ये जो पहला प्रश्न है, ही लाइक्ड टू टीच एंड प्ले, वो सिद्धाना और खेलना पसंद करता था। हु इज टीचिंग हुम, कौन किसको सिद्धा रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है द स्क्वायर इज टीचिंग द पॉइंट, यानी एक गिलहरी कवि को सिद्धा रही थी, क्या कर रही थी, कवि को सिद्धा रही थी। द स्क्वायर या लिख दी, क्या मैंने देखो पेन से, इज टीचिंग द पॉइंट, यानी गिलहरी है वो कवि को सिद्धा रही थी, कौन किसको सिद्धा रहा था, यानी हु इज टीचिंग हुम, तो इसका मतलब था स्क्वायर इज टीचिंग द पॉइंट, ठीक है। सेकंड है व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, सभी चाहते हैं साफ आकाश चाहते हैं, ठीक है। व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबल वांट टू मोस्ट, यानी विद्रोही क्या चाहता है, विद्रोही सूर्य चाहता है, क्या चाहता है सूर्य। तो आ जाएगा द रिबल वांट टू द सन, क्या आएगा वांट सन, द सन, द रिबल वांट द सन, यानी सभी साफ आकाश चाहते हैं। व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबल वांट, यानी विद्रोही क्या चाहता है, तो विद्रोही सूर्य चाहता है, मतलब द रिबल वांट द सन, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब दो के उत्तर देने, मैंने दो के दिए, ठीक है, कोई दो का लिखना। अब आपके क्या आएगा, राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। तो आपको ऑपोजिट शब्द लिखने हैं, विपरीत अर्थ लिखने हैं। तो लाइक का क्या होगा, अनलाइक, क्या होगा अनलाइक, यू एन एल आई के ई, और फ्रेंड का क्या होगा, इनेमी, इनेमी का मतलब था शत्रु, ई एन ई एम वाई, ठीक है। और ओल्ड का मतलब होगा न्यू, एन ई डब्ल्यू, ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब मीन्स नया, और टी आर यू, ट्रू मीन्स सत्य, एफ ए एल एस ई, फॉल्स मीन्स क्या होता है झूठा यानी असत्य, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखा है, और उत्तर सहित बता रहा हूँ, पेपर को हल किया है उसके बाद आपको बता रहा हूँ, तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो राइट ए प्लुरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, प्लुरल का मतलब बहुवचन लिखना है, क्या लिखना है बहुवचन। तो स्टोरी का क्या होगा, स्टोरीज, यानी आई ई एस लगेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना स्टोरीज वाई से पहले क्या है, एक आर है, तो आर के हैं व्यंजन, तो व्यंजन हट जाएगा, अगर इसकी जगह स्वर होता ना तो नहीं हटता, लेकिन आर वाई से पहले क्या आर है, आर एक व्यंजन है तो हट जाएगा, तो वाई हट जाएगा तो इसकी क्या लगेगा, वाई हटने के बाद आई ई एस लगेगा, क्या लगेगा आई ई एस, ठीक है। स्टोरी का होगा स्टोरी, चिल्ड का होगा चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन, आर ई एन लगेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना, विशेष तौर पर चाइल्ड का बहुवचन होगा चिल्ड्रन, यानी चाइल्ड का मतलब बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। अब काइट का होगा, काइट का क्या होगा, काइट का होगा काइट्स, एस लगेगा, और ट्रीज, और ट्री का भी एस लगेगा ट्रीज, ट्री के बीच पीछे भी एस लगेगा, और काइट के भी पीछे एस लगेगा, शील्ड के बीच में चिल्ड्रन लगेगा, और स्टोरी के बीच में आई ई एस लगेगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना अपनी एग्जाम की दृष्टि से। विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साउंड, यानी आपको उस शब्द का एक
लिखना है उन शब्दों को जो बोलने में अलग आवाज़ देते हैं। जैसे आपको एक बोलो कट, इसको कट, सॉरी विद्यार्थी, अब इसको कट बोलते हैं, इसको अट बोलते हैं, इसको बट बोलते हैं, लेकिन इसको पुट बोलते हैं, ध्यान, पू यानी ऊ की मात्रा आ रही, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आवाज़ या डिफरेंट आनी चाहिए, अलग आवाज़ आनी चाहिए। इसको बोलते हैं हैट, लेट, रेट, जबकि इसको कैच बोलते हैं, टी है ना, इसको स बोलते हैं, सी ए सी ए टी सी एस, इसको कैच बोलते हैं, कैट नहीं बोलेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसको हम बोलते हैं क्या, आपको पता है एट, एच ए एट, लेट, रेट, जबकि इसको कैच बोलते हैं, इसका डिफरेंट साउंड आ रहा है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, और इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, पसंद आ जाए, तो वीडियो को लाइक, और देखो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको। ठीक है, अगले साल आपके काम आएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे शानदार तरीके से, कक्षा 8 की तैयारी करवाएंगे, ठीक है, इसी चैनल पर, तो लगातार जुड़े रहे अगर आपको टॉप रैंक से आना है, पास होना है। एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3, यानी कोई 3 क्वेश्चन के उत्तर देने, तो आपको ये हमें बाद में करवा दूंगा। ठीक है, आपको ये पहले ये देखो 1, 2 और आपको 3 प्रश्नों के उत्तर आपको किताब से ढूंढने हैं, तो आप देख सकते हो अपनी बुक्स में से पूछे गए, पहला प्रश्न ये, दूसरा ये, और इसको रोक कर भी देख सकते हो, तीसरा ये। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या आ सकता है, सेक्शन डी में क्या पूछा जाता है विद्यार्थियों, पैसेज है, पैसेज पढ़कर उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर उसको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पैसेज में क्या होता है कि मान लो आपने पूरा पैसेज पढ़ा, एक बार नहीं पढ़ना, दो बार नहीं पढ़ना, तीन बार पढ़ना, अगर तीन बार में, दो बार में समझ में आया, मान लो पैसेज आपने पढ़ दिया, उसमें से पहला प्रश्न पूछ रहा है व्हाट डिड द फार्मर गो डेली, किसान वो हमेशा कहाँ जाता था, तो फील्ड, एफ आई ई एल डी, फील्ड मतलब खेत, तो ये देखो यह उत्तर इस रहा, ये रहा, यानी द बिंग फार्मर वेंट डेली फील्ड, यानी खेत में जा रहा था, कहाँ जा रहा था, एफ आई ई एल डी एस, इसका उत्तर जाएगा। दूसरा है हु वाज ए राइस फार्मर, यानी अमीर किसान कौन था, तो ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी है वो अमीर किसान था, याद देख सकते हो, द पैलेस दे रखा है द ओल्ड मैन बींग ए राइस फार्मर। ठीक है, तो इसका उत्तर ये दे रखा है। सेकंड प्रश्न, थर्ड है कि हु फॉलोड द फार्मर एवरी डे, कौन था जो किसान को डेली क्या करता था, फॉलो करता था, उसका अनुसरण करता था, कौन था वो जो किसान का अनुसरण करता था, यहाँ देख तो डॉग उत्तर आ गया, डॉग, एवरी डे डॉग, ये देख सकते हैं आप प्रश्न का उत्तर, एवरी डे डॉग फॉलोड हिम, हिम का मतलब उस किसान को, ही हिम का प्रयोग हुआ है उस किसान को। ठीक है, तो यहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ हिम, एवरी डे द डॉग फॉलोव हिम, तो डॉग इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यानी विच का अर्थ क्या होता है, विच का अर्थ होगा बींग। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में पूछा जा रहा है विच का अर्थ होता है बींग, बी आई एन जी ई जी, सॉरी। ठीक है, अब दूसरा है आपके रीड ए एक्सट्रैक्ट बिलो एंड राइट ए आंसर, पोइट्री दे रखी है, पोइम दे रखी है, इसको पढ़कर आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो पहला इसमें पढ़ लिया हमें, 4 लाइनें दे रखी हैं, अब इसका पहला प्रश्न, नेम द पोइट, यानी इस कविता का लेखक कौन था, तो इस कविता का लेखक था मुरियल एल सोने, मुरियल एल सोने, जो आपने स्क्वायर वाली कविता देखी पढ़ी है, स्क्वायर गिलरी वाली, तो उसका लेखक है मुरियल एल सोने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पिक आउट ऑफ पेयर ऑफ रेमिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंजा, यानी इस लाइनों में से आपको तुकबंदी शब्द क्या निकालने, तुकबंदी शब्द, ऐसे शब्द जिसका उच्चारण मतलब जो है ना उच्चारण वो हुबहू होता है, यानी सेम टू सेम होता है। मान लो कोई शब्द है गुड, तो गुड मतलब ऊ की मात्रा आ रही है, पीछे ड भी आ रहा है, तो फूड, फूड में भी ऊ की मात्रा आ रही है, पीछे ड आ रहा है। तुकबंदी शब्द का मतलब दोनों की आवाज़ है वो एक जैसी हो, ठीक है, यानी बोलने जैसे, बोलने से वो एक जैसे उच्चारण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गुड फूड, तो आप देख सकते हैं पुट सूट बट कट, ये जो शब्द है ना, ये तुकबंदी शब्द है जिसका उच्चारण करने पर, जिसको बोलने पर एक जैसी आवाज़ आती है, मतलब एक जैसा उच्चारण होता है, तो गुड फूड, इसका क्या होगा उत्तर, गुड फूड, ये गुड दे रखा है, इसके नीचे क्या फूड दे रखा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्नेक आर डेंजरस, देखो यहाँ देखा स्नेक, ये दे रखा उत्तर, स्नेक आर डेंजरस, यानी सांप खतरनाक हैं, सांप खतरनाक है। द फाइंड ऑपोजिट वर्ड फॉर बेड, बेड का ऑपोजिट निकालना इस पैसेज में से, बेड का होता है बुरा, तो गुड का होता है अच्छा। ठीक है, तो ये आपका पैसेज में निकल गया गुड, तो बेड का ऑपोजिट पूछ रहा है कि बेड का ऑपोजिट क्या होगा, तो गुड होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं आ सकता, पूरी संभावना रहेगी एग्जाम में,
और मैंने आपको उत्तर सही सब कुछ बता दिया। अगला प्रश्न है कि राइट है एप्लीकेशन द हेडमास्टर टू योर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर टू डेज। अपनी छुट्टी के लिए अपने हेडमास्टर को 2 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। अगर आपको ये नहीं आ रही तो दूसरी एप्लीकेशन क्या पूछा है कि राइट है एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यहाँ ध्यान रहे अपने TC प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप देख, मैं ये बाद में करवा रहा हूँ, पहले ये करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखी है, देखो यहाँ आपको दिनांक लिखनी है सबसे ऊपर, उसके बाद देखना है हेडमास्टर, फिर अपनी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब जो भी आप किस काम के लिए छुट्टी TC के क्या किस किस लिए आप वहाँ मतलब ट्रांस जो एप्लीकेशन लिख रहे हो ना वो किस लिए कर रहे हो, तो फॉर TC यानी फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर सर लिखना मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कोटा, ठीक है। मतलब मेरे पिताजी का ट्रांसफर उस शहर में हो गया। आई सेल गो विथ हिम, मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। आई सेल रीड देयर, मैं भी वहाँ उसके वहाँ पढ़ूंगा। वुड यू इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कृपया आप मेरी TC देने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद योर्स ओबिडेंटली, क्या लिखना है, योर्स ओबिडेंटली जो भी नाम है आपका और कक्षा नीचे लिखनी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये तैयार करना है, TC के ऊपर एक एप्लीकेशन, एक छुट्टी के ऊपर, दो एप्लीकेशन आप तैयार कर लेना, दोनों में से कोई ना एक ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप तैयार ज़रूर करना। उसके बाद क्या दे रखा है आपके प्रश्न कि राइट है 10 लाइन्स ऑन द टॉपिक, यानी आपको 10 लाइनें लिखनी है इस टॉपिक, माय स्कूल या माय फैमिली, इन दोनों टॉपिक पर पैसेज लिखना है 10 लाइनों में, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 10-12 में ये 10 लाइनें नहीं आ रही तो आपको स्टोरी लिखनी पड़ेगी, खाली जगह भरनी पड़ेगी, एक लॉयन एंड माउस, ठीक है, लॉयन एंड माउस वाली स्टोरी याद कर लेना, या फिर माय स्कूल पर निबंध या माय फैमिली पर आपको 10 लाइनों में कोई निबंध याद ज़रूर करना, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल हो, तो आपको एक एप्लीकेशन ज़रूर ये याद कर लेना, और उसके बाद एक लॉयन एंड माउस पर एक स्टोरी याद कर लेना, और उसके बाद माय स्कूल या माय फैमिली पर आपको क्या करना, एक निबंध लिखना 10 लाइनों में, ठीक है। तो विद्यार्थियों कैसा लगा पेपर हमारे द्वारा तैयार किया गया हो, आपको हल करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर सहित। मुझे पता है विद्यार्थियों आपको पूरा पूरा याद करना है यहीं पर, और उत्तर भी सही है तो मैं पूरा हल करवा दूँ, कहीं पर आप किसी भी चैनल पर ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा शानदार तरीके से जब ताकि आपको वहीं पर याद करवा दिया जाए, ठीक है। तो आपको अगले जो आप पेपर हैं उनका मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही तैयार होगा मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।